हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं स्पाइको कंपनी की मिनी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट अपनी स्प्लेंडर बाइक में। ठीक है, बाकी ये जो अपनी प्रोजेक्टर लाइट है, मिनी प्रोजेक्टर लाइट, इसकी डिटेल वीडियो पहले अपने चैनल पर डली हुई है। उसमें इसके बारे में सभी चीज़ें बताई गई हैं, कितना ये करंट कंज्यूम करती है, कैसे इसका हाई लो बीम एडजस्ट करना है हेडलाइट के अंदर, फुल डिटेल बताई गई है उसमें। तो वो चीज़ जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग करके दिखला देते हैं, बाकी सारा जो डिटेल है वो देखने के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो पहले इसकी मैनुअल बुक आती है, उसमें बताया गया है कैसे इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, और साथ में जो है एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू आते हैं, जो उस वीडियो में हमारे गिर गए थे डिब्बे में से, बाद में मिले थे। ठीक है, और ऐसी कुछ इसकी ट्यूब आती है, मिनी प्रोजेक्टर हेडलाइट। लो बीम लेंस के थ्रू बनता है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के थ्रू। तो चलिए इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। अपनी जो जो बाइक है इसका जो रिफ्लेक्टर है पहले वाला, वो थोड़ा सा डल है, तो अभी हम नया रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे और उसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो जल्दी से हम जो इसकी हेडलाइट है वो ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हेडलाइट हमने ओपन कर लिया। तो ये रही अपनी न्यू हेडलाइट, न्यू रिफ्लेक्टर, और ये है अपना ओल्ड रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये देखिए रिफ्लेक्शन का कितना फर्क। तो चलिए अभी जल्दी से इसके अंदर हम जो अपनी मिनी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट ट्यूब है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका जो लॉक है इसे पीछे हटा लेना है और हेडलाइट को ट्यूब को इसके अंदर डालना है। इसका फैन ओपन हो जाता है, बट अभी हम फैन ओपन नहीं करेंगे, ऐसे इसकी इंस्टॉलेशन कर लेंगे, क्योंकि अभी हम टेम्परेरी इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो डस्ट कवर की भी ज़रूरत नहीं। तो ऐसी हमारी जो ट्यूब है उसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से हम इसको अपनी बाइक में फिट कर लेते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो हमने डीसी कर लिया है, क्योंकि पहले इसके अंदर हैलोजन बल्ब था, तो इसका कनेक्शन इंजन पे था। तो अभी इसके लिए हमें बैटरी का कनेक्शन चाहिए था, तो वो हमने कर लिया है। तो फ्रेंड, जो कनेक्शन था प्लग एंड प्ले वाला ही है। ठीक है, तो वो हमने कर लिया है। तो इसका जो हाई लो बीम का लफड़ा है वो देखिए, तो इसके अंदर जो एक लाइन आ रही है, इसके बारे में दूसरी वीडियो में बताया गया है। तो इसके पीछे यहाँ पर स्क्रू लगते हैं, स्क्रू से इसकी एडजस्टमेंट होती है, वो जल्दी से हम करके रोड पे इसकी आपको परफॉर्मेंस चेक करवाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। लाइट और वाइजर हमने फिट कर दिया है अपनी बाइक का। ठीक है, और जो भी विजन है और रोड पे कैसा इसका परफॉर्मेंस है लाइट का, तो वो चीज़ आपको भी ऑन रोड चेक करवा देते। तो फ्रेंड्स, रोड पे कुछ ऐसा फोकस है लाइट का, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ये देखिए लो बीम, हाई बीम। ठीक है, बाकी एक बार ड्राइव करते समय भी आपको इसकी जो लाइट की परफॉर्मेंस चेक करवा देते हैं। चलो भाई, हाई बीम। लो बीम की जो क्लैरिटी है, जो फोकस है, काफ़ी अच्छा है, बट हाई बीम इफेक्टिव नहीं है। जैसे रोड पर तो दूर तक फोकस नहीं बनता उसका। ठीक है, बाकी अभी नॉर्मली जो गांव की गलियां होती हैं उसके अंदर कैसा फोकस बनता है वो आगे की क्लिप पे आपको दिखला देते हैं। थैंक यू। ये नॉर्मल जो अपना बाहर का रोड है उस पर हाई लो बीम का इफेक्ट कुछ ऐसा है, लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम। ठीक है, बाकी अभी गलियों के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है वो आपको एक लिख जाते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, ये गांव की गली के अंदर लेके आए हैं अभी बाइक को। तो इधर इसका जो इफेक्ट है हाई लो बीम का कैसा है वो चेक कर लीजिए। ये गली में पहले हमने जो बाय एलईडी प्रोजेक्टर स्प्लेंडर के अंदर बनाकर डाला था उसकी टेस्टिंग भी इसी गली में की थी, तो उसका और इसका इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लीजिए हाई लो बीम का इफेक्ट। ये लो बीम में है और ये हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम, तो ऐसी कुछ परफॉर्मेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, ये मिनी एलईडी प्रोजेक्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने ये मिनी एलईडी प्रोजेक्टर खरीदना हो तो। ठीक है, ये एलईडी प्रोजेक्टर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।